आने वाली 11 तारीख को प्रदेश भर के किसान गांव खेड़ी चोपटा में एक किसान रैली का आयोजन करेंगे। इस दौरान देश भर के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, किसान नेता है, वो भी इस रैली के अंदर शिरकत करेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले उनसे अनेक वायदे किए थे, लेकिन 3 साल से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान तो करना दूर की बात, उनकी सुध तक बीजेपी ने नहीं ली है। किसान नेता सुरेश कोथ ने तो यहां तक कह दिया कि आने वाली 23 फरवरी को वो दिल्ली का घेराव करेंगे। इस दौरान देश भर के किसान ट्रैक्टर ट्रैलियों में वहां पर पहुंचेंगे और सरकार या प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करेगा तो वो किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने इशारों ही इशारों में यह तक कह दिया कि हो सकता कि वो 11 तारीख को रैली के अंदर कोई ऐसी बड़ी घोषणा कर दे जिससे कि वो 15 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने के लिए अमित शाह की रैली में चले जाएं। कि हम 11 फरवरी को खेड़ी चौपटा के पर एक बहुत बड़ी किसान रैली का आयोजन कर रहे हैं। उसके रैली का मकसद है कि हम अपने एरिया क्षेत्र के किसानों को इकट्ठा करके 23 फरवरी के दिल्ली घेराव के लिए तैयारी करना। 2 मुद्दों के ऊपर पूरे राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन चला हुआ है। एक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने राज में आने से पहले 2016 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले पूरे देश के किसानों से वादा किया था कि अगर हमारा शासन आता है तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत लागत के ऊपर 50% लाभ के साथ किसान को भाव देंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि किसान सरकारों की गलत नीयतियों की वजह से, भाव न मिलने की वजह से आज पूरे देश का किसान कर्जे के नीचे दब चुका है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसलिए हम इन 2 मुद्दों को लेकर के पूरे राष्ट्रीय लेवल पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार 1 साल से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने गिरफ्तारियां भी दी अगस्त में, हमने धरने भी लगाए, हर तरह की जो हमने फॉर्मेलिटी आग्रह सारी पूरी कर ली। वो सारी करने के बाद एक बात निकल के आई कि अगर हम सरकार को बातें मानने के लिए मजबूर नहीं कर पाते तो सरकार मानेगी नहीं। ये बड़े आंदोलन से जुड़ी हुई रैली है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई रैली है, ये एक आंदोलन की तैयारी के लिए की गई रैली है। इसमें कोई मजबूत घोषणा भी हो सकती है। सीधा सा तरीका, हम ट्रैक्टर ट्रेलियों में दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली का घेराव का मतलब आप समझते हैं, दिल्ली का घेराव करेंगे। हम दिल्ली में जाएंगे कई हजार ट्रैक्टरों को लेकर के, और अगर दिल्ली वाले घुसने नहीं देंगे तो वहीं सड़क के ऊपर हमारी दिन रात वहीं कटेंगे। जब तक मोदी जी को हम अपनी उनकी जवान याद नहीं आती, हमारी बात नहीं मानते, हम वापस नहीं आएंगे। मगर अगर अमित शाह जी या मुख्यमंत्री जी, आपने अभी वित्त मंत्री जी की बात करी, हम 11 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, इस विषय पर हम विचार जरूर करेंगे। क्योंकि किसी भी आंदोलन का, किसी भी धरना जुलूस का मतलब होता है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, और अगर अमित शाह जी जींद मारे उन तक हमारी किसी तरह आवाज पहुंचाने का हमारा कोई प्लान बना, हो सकता है हम वहां भी कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ न कुछ कर सकते हैं। वो लेकिन वो भविष्य के उसमें निर्णय पर आधारित है, तो 11 को निर्णय लिया जाएगा। भाजपा सरकार ही नहीं, हम लगातार 11 साल से लड़ रहे हैं, 7 साल तक हम कांग्रेस से लड़े और 4 साल तक भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा के आज तक की जितनी घोषणा है बिल्कुल निरर्थक है। अभी वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा करी मात्र आंकड़ेबाजियों का खेल करके और हमारे को गुमराह करने की कोशिश करी, बल्कि हमारा दिल दुख पाया है, किसान उस बयान से दुखी है, संतुष्ट होना बहुत दूर की बात है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार सरकार के ऊपर किसानों की इस घोषणा का कितना असर होता है। बहरहाल एक बात तो तय है, किसानों द्वारा आए दिन की जा रही इस प्रकार की घोषणाओं से कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। विशेष सहयोगी सुरेश धारा व रोहित पांचाल के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।